में वापस पीछे से नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो जो नए स्टूडेंट होंगे वो यहाँ से सीख समझ जाइए, बाद में फिर उनको बढ़ा दिया जाएगा। बाकी पुराने स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक था हमारा मॉनिटर एक्सप्लेन हो गया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी रह गए थे, तो वहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे आज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जानना है कि मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, एज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो सब आपको पहले बता दिया गया है क्लास में, तो आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे सभी एपरेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, इवन अलग अलग जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, वैसे आपको मॉनिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जाम में लिखने को आते हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब टर्मिनोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन वर्ड आप हमेशा सुनते हो अपने मोबाइल से लेकर, सभी लोग अपना माइक जो है आप अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट करिए, आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? चलिए, हाँ तो रिजोल्यूशन बता रहे थे हम। रिजोल्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले स्क्रीन देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको फोटो भी डाला है। यहाँ आपको कुछ रोज कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है? इस कॉलम्स में क्या दिख रहा है, छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे जो डॉट्स है वो क्या है, पिक्सल्स है। कोई भी पिक्चर जो फॉर्म होती है किसी भी स्क्रीन पर, वो पिक्सल पे फॉर्म होती है, उसी पिक्सल्स के कारण ही उस इमेज की क्लैरिटी आती है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो दिखा रहा है इसको बोल रहा है 480 रोज एंड 640 कॉलम्स। तो जो स्क्रीन होती है जिसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जिसमें 640 कॉलम्स होते हैं एंड 480 रोज होते हैं, इस बीच में जाके कोई भी इमेज फॉर्म होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी डिस्प्ले डिवाइस इज रिजोल्यूशन, ठीक है? जिसको हम कैसे समझ सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ क्लैरिटी ऑफ द विजुअल स्क्रीन और शार्पनेस ऑफ स्क्रीन। किसी भी स्क्रीन के शार्पनेस और मेजरमेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? पिक्सल्स क्या होता है आप समझ गए होंगे, स्क्रीन पर जो छोटा डॉट होता है दैट इज कॉल्ड पिक्सल्स, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर। पिक्चर के शॉर्ट फॉर्म को पिक्सल्स बोलते हैं, या हम इसको पिक्स भी बोलते हैं, पिक्स एलिमेंट। द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया ऑन अ स्क्रीन एक्सप्रेस द रिजोल्यूशन क्वांटिटेटिवली। पिक्सल्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया, एक स्क्रीन के एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितने पिक्सल्स हैं वो उसका स्क्रीन का रिजोल्यूशन डिफाइन करेगा। फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, स्क्रीन का रिजोल्यूशन कैसे डिफाइन होता है, पर यूनिट ऑफ एरिया में नंबर ऑफ पिक्सल्स। इसको मैंने आपको बोर्ड में बताया है, आज यहाँ भी सुनिए, फिर भी डाउट होगा तो पूछिएगा। द मोर इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन द मोर विल बी द रिजोल्यूशन। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे रिजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा, रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा स्क्रीन की क्लैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। आप देख रहे हो जैसे उसका फीचर से क्या बोलते हैं, शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द ग्राफिक्स, ठीक है? आप लोग को यहाँ तक नोट सफिशियंट है, ठीक है? जब आप लिखने जाओगे आंसर तो यहीं तक लिखना, ये एक्सप्लेन करने के लिए है, मैं आपको समझा देती हूँ। बट आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक को आप जितना बड़ा करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, टाइम लिमिटेशन रहता है एग्जाम में। तो समझने के लिए बस आप समझ लीजिए, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, इफ द रिजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्ले यूनिट इज 640 बाय 480। ये टेक्निकल टर्म में अगर कोई आपको बोलेगा कि डिस्प्ले स्क्रीन का रिजोल्यूशन 640 480 है, तो कैसे समझेंगे इसको, इट मींस दैट दिस स्क्रीन हैज 640 कॉलम्स ऑफ डॉट एंड 480 रोज ऑफ डॉट्स ऑन इट। मतलब टेक्निकली बोलने से 640 और 480 कोई बोले तो हमको बोलना है कि 640 कॉलम्स और 480 डॉट्स, ठीक है? टेक्स्ट कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन इज कंपोज्ड ऑफ डॉट मैट्रिक्स। इन जनरल साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 5x7। मैट्रिक्स में हमेशा याद रखिए रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट जान भी रहे होंगे। अगर 5x7 मैट्रिक्स है दैट मींस 35 पिक्सल्स, या 7x12 दैट मींस 84 पिक्सल्स। ये 35 और 84 रोज और कॉलम वाइज बताया जा रहा है। टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, किसी स्क्रीन पर टेक्स्ट कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखता है, ठीक है? बस इतना आपको इसमें समझना है रिजोल्यूशन में, आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी स्क्रीन पर जो इमेज परफॉर्म होती है वो पिक्सल्स पे परफॉर्म होती है, जिसको शॉर्ट में हम पिक्सल एलिमेंट भी बोलते हैं, या छोटी डॉट जो स्क्रीन पे दिख रही है वो पिक्सल है। पर यूनिट ऑफ एरिया में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे वो उसका रिजोल्यूशन को बताता है। पिक्सल्स की संख्या बढ़ेगी रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो स्क्रीन की क्लैरिटी बढ़ेगी, शार्पनेस बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर मॉनिटर कंटिन्यूअसली वर्क बट द चेंजेस आर सो फास्ट दैट इट कैनॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर आईज।
द इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. ये भी आपको एक्सप्लेन किया है. रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि हर मशीन ऑटोमेटिकली अपने जितने भी इंटरनल सेटिंग्स होती है उसको रिफ्रेश करती रहती है. सिमिलरली मॉनिटर भी अपने आप को रिफ्रेश करता है, बट वो इतना फास्ट होता है कि वो हमें महसूस नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता है. ठीक है, ये रिफ्रेश करना क्यों जरूरी होता है? सिस्टम में जितनी भी फ्लिकरिंग वगैरह होती है, सिस्टम ने मॉनिटर बोलना चाहिए, तो वो फ्लिकरिंग अगर बार बार रिफ्रेश होता रहेगा तो नहीं होगी और क्लैरिटी अच्छी रहेगी. ठीक है, ये रिफ्रेश जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम होते हैं. ठीक है, नेचुरली टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होगा क्योंकि रोज और कॉलम में बना हुआ है. ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए हर्ट्ज का यूज करते हैं. जैसे हर चीज को मेजर किसे किया जाता है, कोई एक इसका यूनिट होता है, वैसे रेफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में नापते हैं. नेक्स्ट इसका फीचर था डॉट पिच. डॉट पिच इज अ मेजरिंग टेक्निक टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू डॉट्स और पिक्सल्स. किन्हीं भी दो पिक्सल्स या दो डॉट के बीच में अगर वर्टिकल डिफरेंस देखे, दैट इज नोन एज डॉट पिच. डॉट पिच इज मेजर्ड इन मिलीमीटर. जैसे रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में नाप रहे थे, वैसे डॉट पिच को वॉइस आ रहा आप लोग को? यस मैम. आ रहा है ना? ठीक है, वो रिकनेक्ट दिख रहा था ना, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं स्क्रीन शेयर हो रहा है. No. हाँ, नहीं हो रहा. हाँ ठीक है. No, मैम, अब हो रहा होगा ना? अब हो रहा होगा. हाँ ठीक 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 ओके, आगे चलते हैं. यस मैम. हाँ, डॉट पिच हम बता रहे थे. वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू पिक्सल्स और टू डॉट इज नोन एज डॉट पिच. ठीक है, तो जिसको किसमें नापते हैं? मिलीमीटर में नापते हैं. इसको और क्या नाम है इसका? फॉस्फर पिच. ठीक है, इतना काफी है. आगे बढ़ते हैं. इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग. इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग ये भी एक इसका फीचर है. इज अ डिस्प्ले टेक्निक विच इनेबल अ मॉनिटर टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ इट्स रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, एनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन इन इंटरलेसिंग मॉनिटर कैन ड्रो ओनली हाफ लाइन. ड्रॉ होना चाहिए ओनली हाफ लाइन्स एज इंटरलेसिंग मॉनिटर कैन रिफ्रेश ओनली हाफ लाइन एट ए टाइम. उसको समझ लो, ये रिफ्रेश रेट आपने जाना कि स्क्रीन की क्लैरिटी के लिए बार बार मॉनिटर अपने आप करता रहता है, वैसे रिजोल्यूशन को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक का यूज किया जाता है. दोनों ही टेक्निक में हाफ लाइन एट ए टाइम रिफ्रेश होती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटरलेसिंग में हाफ होती है तो नॉन इंटरलेसिंग में फुल होती है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना. इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग दोनों ही टेक्निक में स्क्रीन हाफ लाइन एट ए टाइम रिफ्रेश होगी. दिस मॉनिटर कैन डिस्प्ले मोर देन टू लाइन्स एट ईच रिफ्रेश साइकिल. ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको अच्छा माना गया है? इसमें नॉन इंटरलेसिंग टाइप को मच बेटर माना गया है क्योंकि वो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है और वो फास्ट होता है. काम करने का दोनों का तरीका सेम होगा, हाफ लाइन एट ए टाइम करेगा, बट नॉन इंटरलेसिंग इज मच बेटर देन इंटरलेसिंग ड्यू टू इट्स फास्ट टेक्निक और लेस एक्सपेंसिव. ओके, नेक्स्ट इज बिट मैपिंग. डिस्प्ले डिवाइसेस वर ओनली कैरेक्टर एड्रेसेबल विच वर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग ओनली टेक्स्ट. द कैरेक्टर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वॉज इक्वल इन साइज एंड कम्पोज ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ पिक्सल्स, बट ड्यू टू कंटिन्यूअसली ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्राफिकल डिस्प्ले डिवाइसेज, द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेज वर बाउंड टू डेवलप मल्टीपर्पज डिस्प्ले डिवाइसेज विच वर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग बोथ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट. तो ये पूरा हिस्ट्री है बिट मैपिंग के पीछे का. क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो भी डिस्प्ले स्क्रीन था उसमें केवल कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए पहले डेवलप किया गया था जो पिक्सल्स के फॉर्म पे करते थे, बट जैसे जैसे आगे इन्वेंशंस होते गए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, तो ग्राफिकल डिस्प्ले डिवाइसेस की डिमांड आई. ग्राफिकल डिस्प्ले डिवाइसेस की डिमांड आने के साथ कुछ टेक्निक डेवलप हुई, लाइक द टेक्निक यूज टू डिस्प्ले ग्राफिकल आउटपुट इज कॉल्ड बिट मैपिंग. ग्राफिकल आउटपुट के लिए जो टेक्निक यूज की गई उसको बिट मैपिंग बोला गया. Using this technique, an operator can control each pixel on the screen, and hence an operator can draw any graphical image on the screen. इस technique का use करके किसी भी graphical image को screen पर draw किया जा सकता है. ठीक है, जैसे आप लोग monitor पढ़े थे कि there are three types of monitor, black and white, grey shade and color monitor. सबसे पहले black and white आया, फिर grey shade आया, फिर color आया. वैसे ही इसके जो features थे, पहले आपके black and white monitor के features आए. ठीक है, तो देखा गया कि ग्राफिकल भी हमको डिस्प्ले चाहिए, तो बिट मैपिंग का यूज किया गया. ठीक है, जैसे पहले सीआरटी था, कैथोड रे ट्यूब था, फिर एलसीडी हुआ, फिर एलईडी आया. सिमिलरली टेक्निक भी इम्प्रूव होती जाती है.
तो ये हमारा मॉनिटर आज एक्सप्लेनेशन पार्ट भी खत्म हो गया, 2 बार का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसको 5 मिनट में पूरा स्टार्टिंग से फिर से बता देते हैं, आप लोग रिकॉल कर लीजिए. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले योर इंफॉर्मेशन और आउटपुट मटेरियल ऑन द स्क्रीन. इट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, 2 कैटेगरी होती है आउटपुट डिवाइस की, हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. हार्ड कॉपी आउटपुट में आपको प्रिंटर बताया गया था एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आपको मॉनिटर बताया गया था. फिर हमने देखा था कि मॉनिटर के कितने टाइप होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर में हमने 3 टाइप के मॉनिटर देखा था, 1 इज ब्लैक एंड व्हाइट, 2 इज ग्रे शेड्स एंड 3 इज कलर मॉनिटर. डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी, ठीक है. फिर एग्जाम्पल या टाइप्स बोल, जैसे इसको क्लासिफिकेशन बोल दिया तो नेक्स्ट को हम बोल देंगे टाइप ऑफ मॉनिटर. टाइप ऑफ मॉनिटर में सीआरटी का फुल फॉर्म था कैथोड रे ट्यूब. व्हाई इट इज कॉल्ड सीआरटी, बिकॉज एक ट्यूब का यूज होता था, जो पुराने टीवी पुराना आपका मॉनिटर आप देखे होंगे पीछे से निकला रहता था उसमें एक सीआरटी होता था. सीआरटी मतलब पिक्चर ट्यूब. इलेक्ट्रॉन गन का मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है ना. इलेक्ट्रॉन गन का यूज होता था, इलेक्ट्रॉन गन ब्लैक एंड व्हाइट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गन लगती थी, कलर मॉनिटर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गन लगती थी, RGB कलर उसमें से निकलते थे, R फॉर रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है. और ये तीनों एक आपका सरफेस होता है, उस सरफेस पे फॉस्फोरस की कोटिंग होती थी, उससे इलेक्ट्रॉन बीम टकराती थी, इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोरस पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये फॉस्फोरस का नेचर होता है, और इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता था, ठीक है. फिर आया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या हुआ कि दो प्लेट्स के बीच में, आइदर वो ग्लास प्लेट होती हैं और प्लास्टिक प्लेट या प्लाज्मा प्लेट बोल सकते हो, उनके बीच में क्रिस्टलाइन लिक्विड मटेरियल होता है. क्रिस्टलाइन लिक्विड मटेरियल उनके बीच में फ्लो करता रहता है और इमेज का फॉर्मेशन फिर उसके ऑप्टिकली फॉर्म होते हैं. इसको आप जो जितने भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप देखोगे आप उसकी स्क्रीन को टच करते हो तो ऐसा लगता है कोई लिक्विड ऐसे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है. अपने लैपटॉप की स्क्रीन को भी टच करते हो तो भी ऐसे दिखता है, क्योंकि वो सारे क्या है, LCD डिस्प्ले है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है. जब आपका मोबाइल अगर गिरता है, मान लीजिए थोड़ा सा धीरे से गिरा तो स्क्रीन सिर्फ क्रैक होती है, बट अगर मोबाइल टूट जाता है गिर के तो आप देखे होगे उसमें 1-2 ड्रॉप लिक्विड निकलता है. वो लिक्विड निकल गया, दैट मीन्स आपकी स्क्रीन पूरी गई, अब आपको डिवाइस चेंज करना पड़ेगा, मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि वो दो प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड रहता है वो क्रिस्टलाइन केमिकल मटेरियल होता है. LED लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं ये लेटेस्ट टेक्निक है, LCD से भी लेटेस्ट. इन सब के पीछे रीजन वही था कि स्क्रीन जो ज्यादा जगह ले रही थी वो कम ले, और फ्लिकरिंग वगैरह, हालांकि देखा गया तो फ्लिकरिंग CRT में ज्यादा क्लियर था, फ्लिकरिंग बाद में बढ़ा, ठीक है. रिजोल्यूशन ज्यादा बेटर था, इवन फ्लिकरिंग ठीक हुआ और रिजोल्यूशन घट गया. पर अब हम देखेंगे प्रिंटर, ठीक है, क्योंकि नए टॉपिक में भी जाना है ना आपको. मॉनिटर 2-3 बार हो गया है, नहीं समझ में आएगा तो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है. प्रिंटर कैसा डिवाइस था? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस था. किस टाइप का आउटपुट डिवाइस था? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है. आउटपुट डिवाइस के कोई भी चीज़ को हम जब नया देखते हैं तो पुराने में जो लिमिटेशंस थे, कमियां थी, उसको रिमूव करते हैं तो नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो लिखना हम वहीं चालू करते हैं पुराने जनरेशन की लिमिटेशन से. जब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे तब भी आपको बताया था ना मैंने कि सेकंड लिखोगे तो फर्स्ट से कंपेयर करोगे, थर्ड लिखोगे तो सेकंड से करोगे, फोर्थ लिखोगे तो थर्ड से कंपेयर करोगे. वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है 2 limitations ऑफ डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस. 1 can only see लिमिटेड डेटा एट ए टाइम. आउटपुट ऑन स्क्रीन इज नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी टेकन ऑन पेपर. ये दो चीज होती थी कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पूरा एक साथ नहीं दिख सकता, स्क्रॉल करना पड़ता है, या उसको पेपर पे नहीं लिया जा सकता था. इन दोनों लिमिटेशन को दूर करने के लिए प्रिंटर इंट्रोड्यूस हुए. दिस इज हार्ड कॉपी टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस. द डिजिटल सिग्नल सेंट फ्रॉम कंप्यूटर आर कन्वर्टेड टू नेचुरल सिग्नल लाइक हिंदी इंग्लिश एटसेट्रा एंड देन प्रिंटेड ऑन पेपर बाय प्रिंटर सो दैट ह्यूमन बींग कैन अंडरस्टैंड. हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और हम सभी को पता है कि कंप्यूटर जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है दैट इज डिजिटल सिग्नल. एनालॉग सिग्नल्स नहीं होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं. हमारा मोबाइल जो सिग्नल देता है दैट इज एनालॉग सिग्नल. प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दे आर मेनली कैटेगराइज्ड इन 2 क्लासेस. प्रिंटर को बेसिकली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है. इसकी वर्किंग स्पीड के कारण भी इसे कैटेगराइज किया गया है, लो स्पीड प्रिंटर एंड हाई स्पीड प्रिंटर, ठीक है. लो स्पीड प्रिंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा और हाई स्पीड प्रिंटर पेज बाय पेज करेगा. अब प्रिंटिंग के 2 मेथड होते हैं, ठीक है. क्या क्या? इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में, तो पहले इसको समझ लीजिए.
दो मेथड, सॉलिड फॉल्ट मेथड और डॉट मैट्रिक्स मेथड। सॉलिड फॉल्ट मेथड मतलब होता है कि जो भी आपकी लाइन या करेक्टर या कुछ भी आप बना रहे हो वो डैश नहीं होगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको मैंने बोर्ड में ड्रॉ करके बताया भी था आपको। सॉलिड लाइन सिंपल है, सॉलिड लाइन किसको बोलेंगे या ब्रेक लाइन या डॉट लाइन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड फॉल्ट मेथड में सॉलिड लाइन से ही कैरेक्टर प्रिंट होंगे। डॉट मैट्रिक्स मेथड, डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, डॉट डॉट के फॉर्म में कैरेक्टर फॉर्म होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई पेपर आप देखोगे, इवन पे स्लिप जो होती है बीएसपी में, अगर फादर होंगे तो देखियोगे, उसमें जो प्रिंट होकर आता है उसमें डॉट डॉट के फॉर्म पे होता है जो भी कैरेक्टर होता है। हालांकि वो इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें दिखते नहीं है, बट आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर कैरेक्टर सॉलिड फॉन्ट में नहीं है, डॉट मैट्रिक्स फॉर्म पे है, ठीक है। इसकी जनरली इसकी स्पीड क्या होती है, 100 से लेके 200 कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो हैमर और पिन पे काम करते हैं। तो देखिए ये हैमर्स लगे होते हैं, ये आपका पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ से एक रिबन है ब्लैक कलर का, और व्हील डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसको अभी एक एक करके जब डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आप और क्लियर समझ पाओगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग से पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग पढ़ाएंगे, इसलिए पहले ये देखो, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर की दो कैटेगरी क्या क्या, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब पहले समझिए, इम्पैक्ट का मतलब होता है कि अगर प्रिंटिंग हैमर और पिन का यूज किया करके करते हैं तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटिंग करते हैं, कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन कहाँ है, सही नहीं, ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ वही डेफिनेशन है। तो इम्पैक्ट प्रिंट, इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग, व्हेन प्रिंटर यूज हैमर एंड पिन, पिन्स फॉर द प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटिंग। व्हेन प्रिंटर डज नॉट यूज हैमर एंड पिन्स फॉर प्रिंटिंग द कैरेक्टर इज नोन एज नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, अब एक एक करके समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट, पोर्टेबल, फोटो, मल्टीफंक्शन एंड थर्मल। हम पहले इम्पैक्ट पे जाएंगे, ठीक है। इम्पैक्ट के बाद नॉन इम्पैक्ट में आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है इसमें क्या नॉन इम्पैक्ट पहले दिया है, बट हम इम्पैक्ट पहले बताएंगे आपको, क्योंकि डेवलपमेंट इम्पैक्ट से पहले चालू हुआ, नॉन इम्पैक्ट से नहीं, ठीक है। अब आप जब नोट्स में लिखोगे या एग्जाम में लिखोगे तो आप ना, जैसे स्क्रीन पर टेबल ये बना था पहले, ये ट्री स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये ऊपर है, सॉरी ये आ गया, ये सबसे पहले प्रिंटर बताओगे दो लाइन में, कि प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, और एक लाइन और लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीधा ये बना देना, ये बनाने के बाद नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, या इम्पैक्ट यहाँ लिखना, नॉन इम्पैक्ट यहाँ लिखना, ठीक है। फिर इम्पैक्ट को डिफाइन करना कि इम्पैक्ट होता क्या है, और सीधा एक एक करके आप इसके प्रिंटर पे आ जाना, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा मैटर होता है, बट आप लिखोगे ना तो फिर आपको ध्यान से लिखना होता है कि हमको क्या पूछा गया है और हम क्या लिख रहे हैं, पढ़ कर आए हैं, आता है बोल के पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। 3 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, तो सीधा आपको टॉपिक पे आना होता है और जो पूछा जाए उससे रिलेवेंट लिखना चालू करना होता है। हाँ, तो यहाँ से पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, फिर आप आओगे डॉट मैट्रिक्स पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन दिस प्रिंटर देयर इज अ प्रिंट हेड विच हैज अ मैट्रिक्स ऑफ पिन्स इन इट। यह एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है जिसमें पिन्स लगे होते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म पे, ठीक है। ये पिन किससे टकराते हैं, रिबन से टकराते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा बोर्ड पे, उसको आप विजुलाइज करिए, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने, और जो नहीं देखे हैं वो यहाँ से फिर से समझिए क्योंकि मैं दोबारा आपको पढ़ा रही हूँ। वो पिन्स जो होती हैं वो रिबन से टकराती हैं एंड मेक अ डॉट ऑन अ पेपर, और वापस किस पे टकराती हैं, पेपर पे टकराती हैं, क्योंकि उसके हेड पे इंक लग चुका है, तो अब जब प्रिंटिंग करेंगे तो वो पेपर पे स्ट्राइक करके, पेपर पे हैमरिंग करके प्रिंटिंग चालू हो जाती है। मेनी डॉट्स कंस्टिट्यूट्स अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बनाने के लिए कई डॉट यूज होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे टाइपराइटर था ना पुराने जमाने का, वैसे ही उसी मेथड पे बेस्ड था हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
प्रिंट हेड हैज वर्टिकल कॉलम 7, 9, 14, 18 और 24 पिंस। ये प्रिंट हेड जो थे इसमें अलग अलग कैपेसिटी के प्रिंट हेड होते थे, किसी में 7 पिन था, किसी में 9 पिन था, किसी में 14, किसी में 18 और किसी में 24 पिंस थे। पिंस ऑफ वन कॉलम स्ट्राइक द रिबन टू प्रिंट डाउन एट ए टाइम। इन दिस वे अ सिंगल करेक्टर गेट्स कंप्लीटेड इन मेनी स्टेप्स। अंडरस्टूड है कि ये सबसे सिंपल टाइप का प्रिंटर था, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर था, धीरे धीरे प्रिंट होता था, वन करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटर प्रिंट होता था, ठीक है। तो ये स्लो होगा, ऑब्वियस स्लो होगा, आवाज़ ज़्यादा करेगा क्योंकि हैमरिंग हो रही है, ठीक। और सीधा आप लोग ना ये जो लिखा है ना पैराग्राफ में, इसको कोशिश करेंगे पॉइंट्स में लिखने का। कभी भी कोई चीज़ आप पैराग्राफ में लिखते हो या कोई दूसरा स्टूडेंट उसको पॉइंट्स में लिखता है तो उस पॉइंट्स में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। भर भर के पैराग्राफ में लिखने से जो एग्जामिनर होता है ना उतना, क्योंकि उसको एक कॉपी तो चेक नहीं करनी, कई कॉपी चेक करनी है, तो आपकी कॉपी एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि सामने की हाँ सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, साफ सुथरा लिखा है, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे फीचर्स बता रहा है कि कैसे प्रिंट करेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट ग्राफिक्स ऑफ एनी शेप एंड साइज एंड करेक्टर ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी शेप एंड साइज का करेक्टर प्रिंट कर सकता है, हिंदी इंग्लिश में प्रिंट कर सकता है। अब इसके सीधा आप इसमें आ जाओ, टू क्वालिटीज, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग एंड नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग। ये भी आप छोड़ सकते थे, इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, समझ जाइए बस। इट इज़ अ जनरल प्रिंटिंग विथ लो क्वालिटी, इट इज़ अ बिट हायर क्वालिटी इन विच ईच करेक्टर इज प्रिंटेड बाय डबल ओवर स्ट्राइक। क्योंकि बहुत पहले जब एक प्रिंटर आया तो मार्केट में लेजर प्रिंटर वगैरह नहीं थे ना, तो इसी को इम्प्रूव किया गया कि अच्छा प्रिंटिंग हो पाए। तो ड्राफ्ट क्वालिटी जो आया वो थोड़ा लो क्वालिटी का था, फिर दूसरा अच्छा आया तो उसमें डबल ओवर स्ट्राइक से प्रिंटिंग चालू हुई, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले इम्पैक्ट पढ़ा रही हूँ, नॉन इम्पैक्ट पहले पढ़ा देते तो उसमें लेजर आ जाता, तो लेजर के आगे फिर ये तो कम हो जाता, तो छोटे से बड़ा पढ़ेंगे कि पहले क्या आया फिर क्या आया। सीधा इसके एडवांटेजेस में आइए, कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग ऑन अ मल्टी फेसेटेड फॉर्म और कार्बन कॉपीज, पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट इज लेस, यूजफुल फॉर प्रिंटिंग एंड डेटा लॉगिंग ऑन कंटिन्यूस फॉर्म पेपर, रिलायबल एंड ड्यूरेबल। सिंपल है, इसकी कॉस्ट कम थी, रिलायबल था, ड्यूरेबल था, प्रिंटिंग को कई तरीके से कर सकता था, ठीक है, डेटा को लॉगिंग जितने भी डेटा थे उसको इजिली वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में ले सकता था। इसके बाद इसको ख़त्म करके सीधा ड्रम प्रिंटर में आएंगे। ड्रम प्रिंटर शेप में ही दिख रहा है आपको, ड्रम के शेप का होता था, इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको जो बोर्ड में समझाया गया था इतना क्लियरिटी नहीं दिखती ना, और जूम पे था तो वैसे दिखते भी नहीं। अब आप इसमें देखो ड्रम के ऊपर ये करेक्टर एनग्रेव किए हुए हैं, ये आप समझ जाओ कि पीछे भी ऐसी है ना, सिलेंड्रिकल शेप में है तो पीछे भी ऐसी होगा, तो ड्रम के पूरे चारों सरफेस में ऐसी करेक्टर लिखे होते हैं। और ये ड्रम क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है, ठीक है, ये ड्रम रोटेट होता रहता है, इंक रिबन लगा रहता है और इंक रिबन से पहले पिंस टकराते हैं हैमरिंग करके और इंक उसमें आ जाता है, फिर पेपर पे टकराते हैं और इस ड्रम से करेक्टर को लिया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रिंट पोजिशन अक्रॉस द ड्रम इक्वल्स द नंबर अवेलेबल ऑन पेज, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 80 to 132। जो नंबर ऑफ करेक्टर जो रहते थे उनका सेट जो होता था बेसिकली 80 से 132 रहता था, ठीक है। अब इम्पैक्ट टाइप को थोड़ा जल्दी समझ जाओ, टाइम भी ओवर होने वाला है, फिर ताकि जो आपको पूछना है पूछ सको। फिर चेन प्रिंटर, ठीक है, चेन प्रिंटर में सिर्फ डायग्राम देखोगे आप समझ जाओगे, क्योंकि एक बार नहीं भी समझे हो पहले तो अभी समझ जाओगे। ये चेन, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, साइकिल देखे हो, साइकिल के दो जो आपके पहिए होते हैं उनके बीच में जो चेन होती है उसी को विजुलाइज करिए, ऐसे दिख रहा है ना, इसको चेन प्रिंटर बोलेंगे, इसको बैंड प्रिंटर बोलेंगे। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये जो है वो चेन है, ये देखिए ऐसे ग्रूव में फंसी हुई है, और ये जो है ये बैंड है, बेल्ट के समान है, तो बेल्ट के समान जो है वो बैंड प्रिंटर, जो चेन के समान है वो चेन प्रिंटर। ये आपका प्रिंटिंग पोजिशन के लिए है, ये पेपर, ये आपका इंक रिबन, ठीक है, और ये ऐसे करके मूव करता रहेगा, ऐसे साइड पोजिशन पे मूव करेगा, ये भी ऐसे मूव करेगा, देखो चेन की डायरेक्शन दी हुई है, ऐसे करके मूव करेगा, एरो दिया हुआ है ना, इसे आप समझ जाइए कि ऐसे मूव करता जाता है, कंप्यूटर से सिग्नल मिलते जाते हैं कि कौन सा करेक्टर प्रिंट करना है, ये सिग्नल के थ्रू ये करेक्टर सेट होता है, रिबन पे टकराता है, रिबन पे टकराने के बाद सीधा प्रिंटिंग उस पेज पर चालू हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये प्लॉटर नहीं पढ़ेंगे अभी अपन, क्योंकि हमारा अभी क्या बाकी है, नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर बाकी है,
अभी आपका 3 मिनट दिखा रहा है खत्म होने में, अब क्वेरी सेशन कुछ पूछना है अभी तक का जितना पढ़ाया तो आप लोग पूछो। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, वॉइस क्लियर है? हेलो, हाँ आवाज आ रही थी बेटा आप लोग? हेलो मैम। हाँ बोलिए बेटा। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। मतलब साइकोलॉजी ऐप में हम लोग देख रहे थे, मतलब पीडीएफ नहीं दिख रहा था मैम, हिंदी का, मतलब हिंदी में कौन सी क्लास में हो आईटी का, अब? बीसीए में हो? बीएससी सीएस बीएससी सीएस। हाँ बीएससी वो उसमें डला ही नहीं है बेटा, बीएससी वाले में डला ही नहीं है। मैं उस दिन बोली भी थी डाल दूंगी बट वो नहीं डाल पाई बीसीए होने के कारण, और माइंड से स्किप हो गया। आज आज डाल दूंगी मैं, मिल जाएगा आपको। जी मैम, बल्कि जी मैम, क्या चला जाएगा, मतलब आज पढ़ाया मैंने इसलिए नहीं दिख रहा जी मैम। और बताओ बेटा, और इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। मैम आप बोल रहे थे कंप्यूटर डिजिटल भेजता है और हम लोग का मोबाइल एनालॉग, तो मैम हम प्रिंटर में मोबाइल और कंप्यूटर दोनों को वो कर सकते हैं, तो उसमें कौन सा सिग्नल पहुंचता है, प्रिंटर कौन सा यूज करता है सिग्नल? डिजिटल, जब भी डिवाइस आपका प्रिंटर हो कंप्यूटर हो सब डिजिटल सिग्नल लेगा, हमेशा याद रखना। तो मैम एनालॉग सिग्नल वो डिजिटल में कन्वर्ट होके प्रिंटर के पास जाएगा? कौन सा एनालॉग सिग्नल मैम? जैसा आप बोले कि हम लोग का जो मोबाइल है वो एनालॉग सिग्नल देता है, तो मैम हम जब प्रिंटर से कनेक्ट कर, हाँ मोबाइल से डायरेक्ट आप प्रिंटर पे भेज रहे हो ये बोल रहे हो कि हम मोबाइल की कंप्यूटर में पहले डेटा आपका आएगा, डेटा फिर उसमें जाएगा प्रिंटर में जाएगा, ठीक है? पर आजकल डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट वाले भी आ गए हैं प्रिंटर्स कि आप मोबाइल से डायरेक्टली उसमें भेज सकते हो, तो पहले वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और फिर वो समझ पाएगा प्रिंटर कि आप क्या प्रिंटिंग के लिए भेजे हो, ठीक है? इंटरनली वो पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है? और वैसे जैसे पहले इंटरनेट कनेक्शन लेते थे ना, तो फिर क्या होता था मॉडेम आते थे, जब भी आपके इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर रहे हो तो एक मॉडेम की जरूरत होती थी। मॉडेम क्या करता था, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता था और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता था, ठीक है? पर आजकल जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं वो उसमें इनबिल्ट मॉडेम लगा होता है।